हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है 1 जनवरी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मैं और आमन मंदिर जा रहे हैं। कल ना मेरी दीदी भी आई थी, तो पहले हम दोनों उसको स्टेशन छोड़ने जाएंगे, उसके बाद हम दोनों निकलते हैं मंदिर के लिए। ये है मेरी दीदी। हेलो। हाँ, ये हो रही है तैयार। अब हम इसको कह रहे थे ना, हमारे साथ चल मंदिर, लेकिन इसकी है जॉब, इसको निकलना है। ये बिल्कुल नहीं मान रही है। दीदी चल रहे, अभी भी बोल रही हूँ मैं, चल हमारे साथ। यार मैंने शाम को ड्यूटी करनी कोई बात नहीं, एक दिन की छुट्टी ले ले। हाँ, कल तो यहाँ बहुत कोहरा हो रहा था ना, हम ब्लॉग बना नहीं पाए, और आज भी हम लोग जल्दीबाजी में थे, सुबह से तैयार हो रहे थे, और दीदी को निकलना था, इसको छोड़ना भी है, तो इसलिए हम अभी अभी तैयार हो रहे हैं। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बना लूं। दीदी मथुरा और वृंदावन घूम के आ रही है, अब आज जाएगी अपने घर। मुझसे भी कह रही थी चल करके, मेरी छुट्टियां नहीं थी, अभी जाती ना, आज के बाद तो मेरी छुट्टियां हैं, 12 दिन की छुट्टियां हैं, अभी जाती तो शायद मैं भी जाती, मेरा मन भी बहुत कर रहा था वहां जाने का। मैंने अभी देखा भी नहीं है, ये तो शायद एक दो बार चली गई है ना, एक बार। पहली बार गई हाँ है। हाँ पहली बार। अब इसने बहुत सारी बातें वहां की बताई ना, मेरा मन भी कर रहा है कि मैं भी जाऊं। अब देखो कब तक भगवान का बुलावा आता है। हाँ थोड़ा बताते फिर कैसा लगा मथुरा बहुत ही वृंदावन। अच्छा लगा। बिहारी जी के दर्शन हुए और वैष्णो देवी गए, वहां से गए, फिर वहाँ ये गिरिराज जी मंदिर, फिर वहां से सब जगह मतलब घूमे, वहां इधर उधर सब बहुत अच्छा लगा वहां की। तभी आज इसको हमारे साथ मंदिर आने में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। अरे ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, इसकी ड्यूटी है तो इसको जाना है, इसलिए हाँ जॉब पहले है। हाँ, क्योंकि न्यू ईयर भी शुरू हो गया ना, तो अब नए साल की छुट्टियां तो वैसे भी रखनी पड़ती है, कभी जरूरत पड़गी तो। पूरा साल पड़ा है अभी, और पहले दिन अपसेंट होना भी अच्छा नहीं लगता है, तो हमने ज्यादा जिद भी नहीं की इसको। मैं और अमन जाएंगे मंदिर। अब ना हम लोग तैयार हो चुके हैं, तैयार होके बैठ गए, अब थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं। हाँ हैप्पी न्यू ईयर गाइस, चले फिर मंदिर को। चलो। दीदी को स्टेशन छोड़कर हम दोनों निकल गए हैं हनुमान धाम के लिए। आप देखिए कितना अच्छा व्यू है। जब कभी तीज त्योहार या न्यू ईयर होता है, हम कहीं जाने की प्लानिंग करते हैं, तो हमारी सबसे पहली पसंद होती है हनुमान धाम। हम ना बहुत बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मन करता है कि यहाँ आएं और देखें, क्योंकि मन भी शांत हो जाता है और हनुमान जी के दर्शन भी हो जाते हैं, और जगह भी बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके। आगे ये देखिए पुल है, ये ना जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनकी पहली पसंद है यहाँ पर पुल। यहाँ आकर रुकते हैं, अभी पानी तो नहीं है, लेकिन यहाँ जंगलों के बीच में, और बहुत बड़ा पुल है, बहुत बड़ी नदी है, बरसात के समय ना बहुत पानी यहाँ भरा रहता है, लेकिन अभी पानी नहीं है, लेकिन लोग यहाँ उतर कर जंगल का नज़ारा देखते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं हनुमान धाम की ओर। न्यू ईयर के दिन मैं यहाँ की भीड़ आपको दिखाती हूँ। ये अभी 1 या 2 किलोमीटर आगे है हनुमान धाम, और यहीं से आप देख रहे हो कितने लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ना आप, हनुमान धाम में लोग आना कितना पसंद करते हैं। ये सारे श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। इस बार ना एक नई चीज़ मुझे देखने के लिए मिल रही है। 1 किलोमीटर पहले से ही यहाँ दुकानें सजनी शुरू हो गई है। जो लोग पैदल आ रहे हैं तो यहाँ से प्रसाद लेते हुए आ रहे हैं। एक चीज़ बड़ी अच्छी है ना, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल गया है। ये देखिए आप, बड़ी सुंदर दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। खाने पीने की भी चीज़ें हैं, प्रसाद तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ लोगों ने ना खाने पीने की चीज़ों के भी स्टॉल लगाए हुए हैं। अब बस मंदिर पास ही है, आने ही वाला है। चलो सब मिलकर मंदिर के हम दर्शन करते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीन हो लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो, ते बन आनी करी बिनती। तब निवेदन है व्यवस्था को बनाने में अपना सहयोग दें। दर्शन करने के पश्चात जो भक्त नीचे आ रहे हैं सीढ़ियों से, आपसे निवेदन के सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का, और जो श्री हनुमान से वटस्थ के हमारे दृष्टिकोण हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आपकी बहुत बहुत बधाई, शुभ।
बाली की त्रास तपिस बस गिरी जात महाप्रभु पंथ निहार चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचार कै द्विज रूप लिए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो अंगद के संग लेन गए सिया खोज कपीश यह बैन उचारो। हम लोग हनुमान धाम से वापस आ गए हैं। आज ना न्यू ईयर होने के कारण वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी और पुलिस वालों ने रास्ता भी डाइवर्ट किया था। जहाँ से हम लोग आए वहाँ पूरा ऑफ रोडिंग थी। बड़ी मुश्किल से हम मेन रोड तक पहुँचे हैं। अब हम हल्द्वानी को निकल रहे हैं, तो चलिए घर जाके फिर मिलते हैं आपको। ये देख के रोड के दोनों तरफ भुट्टे वाले बैठे हैं। आग में भुने हुए भुट्टे ना बड़े टेस्टी होते हैं। लोग यहाँ पर गाड़ी से उतरकर भुट्टे भी ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग घर पहुंच गए हैं। सुबह तो बहुत ज्यादा कोहरा था, हमने सोचा वहां बहुत अधिक ठंड होगी, जैकेट वगैरह पहन के गए थे, लेकिन वहां बिल्कुल ठंडा नहीं था। जैकेट देख के मैं हाथ में लेकर आ रही हूँ। और इसी के साथ ही आज की ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।